जिले इमिग्रेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको यूएस विजिटर वीज़ा में इमरजेंसी डेट कैसे मिल सकती है उसके बारे में बताऊंगा। इमरजेंसी डेट किसको मिल सकती है, किसके लिए है और कैसे ले सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहले देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, किस कैटेगरी में आप एलिजिबल हो इमरजेंसी डेट लेने के लिए? तो फर्स्ट कैटेगरी है मेडिकल नीड्स, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब होता है कि आपको या फिर आपके कोई रिश्तेदार को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की या देखभाल की ज़रूरत है। इसमें आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इंडिया से आपको अपने डॉक्टर से मेडिकल ट्रीटमेंट लेटर लेना पड़ेगा, जिसमें लिखा हो कि आपका क्यों यूएस जाकर ट्रीटमेंट या देखभाल करवाना चाहते हो। और यूएस डॉक्टर या अस्पताल से भी एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह आपका इलाज या देखभाल करने के लिए तैयार है, और ट्रीटमेंट का खर्चा कौन उठा रहा है और कैसे उसका भुगतान करोगे वह भी आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब कि आपका फाइनेंशियली प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी है डेथ और अंतिम संस्कार विधि। अगर वहाँ पर आपके कोई करीबी रिश्तेदार यानी कि माता पिता, भाई बहन और बच्चों में से किसी की डेथ हो गई हो या फिर उनकी कोई विधि हो और आप उसमें आपका जाना जरूरी है, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वह जिसकी भी डेट हो गई है उसका डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें उसकी डेट कब हुई, उसकी तारीख और उसकी पूरी डिटेल दी गई हो, और उसका अंतिम संस्कार कब है उसकी भी तारीख दी गई हो। और आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि वह आपका करीबी रिश्तेदार है, उसके भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। तीसरी कैटेगरी है अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल, यानी कि इमरजेंसी ट्रैवल करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अर्जेंट ट्रैवल नहीं किया तो इंडिया की कंपनी को या फिर यूएस की कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको इमरजेंसी डेट ले सकते हो। उसमें भी आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि यूएस की ओर से आया हुआ लेटर जिसमें लिखा हो कि अगर कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जल्दी से तो यूएस के कंपनी या इंडिया की कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि यह अवधि 3 महीने के अंदर की हो, और आपका समझना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी भी कंपनी को। चौथी कैटेगरी है स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर। इस कैटेगरी में अगर स्टूडेंट का कोर्स या कॉलेज का 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर शुरू होने वाला है और अभी भी उसको डेट या अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, वहाँ पर आपको ओरिजिनल फॉर्म I-20 और DS-2019 जो दिखा सकता है कि आपका कोर्स 2 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाला है। अभी भी हम बात करेंगे कि कौन लोग इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। सो फ्रेंड, इसमें अगर वहाँ पर किसी का मैरिज हो, ग्रेजुएशन सेरेमनी यानी कि स्टूडेंट का कॉन्वोकेशन हो, वहाँ पर कोई रिलेटिव प्रेग्नेंट हो और उसकी देखभाल के लिए जाना हो, बिजनेस मीटिंग, एनुअल फंक्शन या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो इस सिचुएशन में आप इमरजेंसी डेट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अभी भी फ्रेंड, आप इमरजेंसी डेट कैसे ले सकते हो उसके स्टेप के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप है CGI, यानी कि वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप, DS-160 फॉर्म फिलअप करके फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, यानी कि कोई भी अवेलेबल डेट लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप कोई इमरजेंसी डेट नहीं मिल सकती। जब आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल जाए उसके बाद आप इमरजेंसी डेट के लिए यूएस एम्बेसी को मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे के लिए वेट करना होगा, जिसका आंसर आपके ईमेल में आएगा। अगर यूएस एम्बेसी आपका रिक्वेस्ट मंजूर कर देती है तो आपको आपकी डेट रिशेड्यूल करके ईमेल में 24 से 48 घंटे में मिल जाएगी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।